आर गोइंग टू डू द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। बेटा एल्कोहल के साथ रिएक्शन ना इजीली हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ध्यान से देखो। हैलोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड, थायोनील क्लोराइड, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, इफ दिस आर अवेलेबल द रिएक्शन कैन बी इजीली डन। अब आउट ऑफ दीज द बेस्ट इज एंड बेस्ट रिएजेंट वुड बी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू बुक, इट इज थायोनील क्लोराइड। व्हाई थायोनील क्लोराइड? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दिस आर द गैसेस, ठीक है। सो गैसेस कैन बी इजीली एस्केप्ड और हमें प्योर फॉर्म में एल्काइलाइड मिल जाती है इसके, ठीक है। अब आगे देखो, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट याद करना ज़रूरी है, कैटलिस्ट कौन सा याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। सो द कैटलिस्ट इज जिंक क्लोराइड, ठीक है। विद टर्शरी एल्कोहल द रिएक्शन कुड बी सिंपली कन्वर्टेड बाय शेकिंग द एल्कोहल विद कंसनट्रेटेड HCl। टर्शरी में HCl, पहला हमने कौन सा पढ़ा था, प्राइमरी और सेकेंडरी में ZnCl2। टर्शरी में दोबारा याद रखना, इन टर्शरी केस वी कैन सिंपली डू इट बाय शेकिंग द एल्कोहल विद कंसनट्रेटेड HCl। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग विद HBr इज यूज इन प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। अब HBr के साथ अगर हम उसको बॉइलिंग कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल ब्रोमाइड। गुड यील्ड ऑफ Ri मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द एल्कोहल विद सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड। Ri कैसे अच्छे से मिल सकता है, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड 95%। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल याद रखना, 3 degree, देन 2 degree, देन 1 degree। 3 degree इज मोस्ट रिएक्टिव। Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in C2, ठीक है, means mixture की तरह, ठीक है, by the reaction of red phosphorus with the bromine and iodine respectively। दोबारा याद रखना, phosphorus tribromide and triiodide, ठीक है, किसके reaction से, red phosphorus with bromide and iodide। Now, इस सबको एक पेज पे आपको लिख के दे रही हूँ। यू वॉन्ट यू कैन पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टर आई कंप्लीट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, रिएजेंट वी कैन यूज 3 things, ठीक है। हैलोजन एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस है लाइट, ये क्या हो गया, थर्ड वन है थायो नील क्लोराइड, आउट ऑफ विच थायोनील क्लोराइड बेस्ट है, क्यों, बिकॉज प्रोडक्ट आर
गैसेस विच कैन ईजीली एस्केप, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है? लीविंग प्योर एल्काइल हैलाइड। इतना समझ आ गया, बाकी हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या चाहिए सुनना ध्यान से। अब ध्यान से देखना, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, व्हाट इज देयर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ZnCl2 is needed as catalyst. Now, for tertiary, shaking of alcohol in presence of HCl is enough. ठीक है, फॉर ब्रोमीन सॉरी ब्रोमीन नहीं एल्काइल ब्रोमाइन, कैन बी प्रिपेयर बाय कॉन्स्टेंट हीटिंग ऑफ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग HBr, हाउ मच परसेंट? इट इज आई थिंक 54%, लेट मी चेक, 45, 48 HBr 48%. Now, if I talk about iodine, alkyl iodine can be prepared by sodium और पोटेशियम आयोडाइड, हाउ मच परसेंट? 95% इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्थो फॉस्फेरिक एसिड। क्लियर है इतना? इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाऊँ, इतना आप देख लो, स्क्रीनशॉट खींचना जिसने स्क्रीनशॉट खींच ले, ये एक आपको फुल फ्लेज मिल गया एक ही में। ये अब क्लियर ना हुआ देन दैट्स वेरी बैड, यू शुड बी क्लियर विद ऑल दिस। व्हाट हैपेंड फ्रॉम दी Wait. Now let's move forward. Most important thing, that is C2. वाली जो चीज थी, ठीक है, ध्यान से देख। Let me change it to a beautiful pink color. Now see, अब क्या होता है बेटा, फॉस्फरस ट्राई ब्रोमाइड एंड ट्राई
आयोडाइन, ठीक है। आर जनरली जनरेटेड इन सी टू, सी टू मीन्स रिएक्शन मिक्सचर में ये बनते हैं, ठीक है। कैसे? अब रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद आयोडीन एंड ब्रोमीन, अब एक बात याद रखना, हमने एल्काइल क्लोराइड नहीं पढ़ी ना, इधर लिख देती हूँ, इधर आ जाएगा मेरा एल्काइल क्लोराइड। बात करते हैं एल्काइल क्लोराइड की। सो दिस एल्काइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड ईदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू सॉल्यूशन ठीक है, क्या पास करना ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर सेकेंड वे आउट इज हीटिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल इन हीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस एसिड। नाउ लेट मी टीच यू अबाउट द रिएक्शंस दैट आर कैरिड आउट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू विद हैलोजन एसिड। ठीक है, देखो आर ओ एच प्लस एच सी एल इट इज़ अ हैलोजन एसिड। व्हाट आई सेड यू इट इज टर्शरी प्राइमरी है ना, तो इसके साथ आर सी एल बना प्लस एच टू। एल्काइल क्लोराइड का क्या बताया था, इट इज़ कैरिड आउट इधर बाय ड्राई क्लोराइड और कंसेंट्रेटेड एक्वस एसिड, यूसेस कंसेंट्रेटेड है। नाउ सेकेंड वन इज हमने लिया सोडियम ब्रोमाइड प्लस एच टू एस ओ फोर, इससे क्या बनेगा आर बी आर प्लस एन ए एच एस ओ फोर प्लस एच टू। नाउ आर ओ एच प्लस पी एक्स थ्री, वॉट इज इट, इट इज फॉस्फोरिक हेलाइड। वट इट गिव्स, इट गिव्स आर एक्स प्लस
ठीक है। नाउ इफ वी डू आर ओ एच प्लस पी सी एल फाइव, व्हाट डज इट गिव? आर एक्स सॉरी आर सी एल पी ओ सी एल थ्री, ठीक है ना, बच गए थे ना तीन, प्लस एच सी एल, ऑल सी एल्स आर यूज नाउ, नेक्स्ट देखो आर ओ एच वी आर गोइंग टू यूज रेड फॉस्फरस, एक्स टू यहाँ पे क्या हो सकता है, इट कुड बी ब्रोमीन और आयोडीन, एक्स टू हियर कुड बी ब्रोमीन और आयोडीन, इट गिव्स आर एक्स, इट इज सी टू वाली कंडीशन, ये देखो लास्ट इज ठीक है, इट गिव्स आर सी एल, ये कौन सी है, थायो नील वाले कंडीशन, बोथ ऑफ देम आर गैसेस, दिस इज गिवन इन योर बुक, दिस ऑल रिएक्शन I taught you. We are done with it. Let's move forward. समझा दिए मैंने आपको, एराइल हैलाइड्स के लिए यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है, देखो फिनोल में तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये एराइल में यूज होते हैं। Now problem came by free radical halogenation. What does we do here? Free radical chlorination and bromination of alkyl give complex mixture of isomeric mono and polyhalogen, which is difficult to separate as pure compound. Consequently, yield of a single compound is low. Okay, this is the reaction. Let me explain it to you what happened. Yeah. Now we are going to do by free radical. ना फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल अगर हम करें क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, इसे हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड
कोहली है लोल की। आइसोमेरिक मोनो और पॉलीहेलोल, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड, इसलिए यील्ड एक कंपाउंड की कम होती है। अगर हम इसमें देखें तो इट इज 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, ठीक है। स्टेबिलिटी, ठीक है, रिएक्शन इज समवॉट लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 CH3 in presence of chlorine, UV light और heat, इन दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है बस, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन, इससे क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Cl, Cl इधर आ सकता है या फिर CH2 नीचे लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं, CH2 CH2 CH Cl CH3। ध्यान से देखो तो ये वाला, लेट मी मार्क इट विद अनदर ब्राइट कलर, ये वाला, ये दिखे नहीं रहा, मार्केट विद द ब्लैक इट ब्लू ब्लैक, अब ये वाला जो है ना, इसमें आप देखो कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन इज एट 1 degree है, और इस केस पे अगर देखो क्लोरीन कितने हैं 2 degree पे। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, दिस की, दिस वुड बी मेजर, दिस वुड बी माइनर, नाउ इन योर NCERT यू आर गिवन विद अ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एल्कीन है, पुरानी वाले में नहीं थी, नहीं थी। सारे ही हैं, जगह बदल दी गई है, वो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, पुरानी बुक के सारे कवर हो जाएंगे, जिसके बाद पुरानी बुक के नो नीड टू बाय। आप फ्रॉम एल्कीन खोल लो, जो कि पेज नंबर पुरानी पे है 278 पे, नई बुक पे टू, नई बुक पे कौन से पेज पे है, 295 पे, 278 ओल्ड पे, 295 पुरानी पे भी खुल जाएगा इसे। अब देखो, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, अगर एल्कीन से बनाना है तो हम HCl ऐड कर देते हैं, सर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर देते, एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइलाइड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड। Propene yields to 2 product, however only one predominant as per Marconi's rule. Marconi's rule क्या होता है, ध्यान से देखना।